ऑपरेशन लंगड़ा की हम बात करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार हो या कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सख्त हैं। यूपी में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। आपको दो तस्वीरें हम दिखाएंगे, मेरठ और मुजफ्फरनगर की, जहां पर पुलिस ने अपराधियों का मौके पर ही एनकाउंटर कर दिया। किसी भी तरीके से ना अपराधियों की गलत हरकतों को बर्दाश्त किया जाएगा, ना ही भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त किया जाएगा। और इसी के चलते आपको बता दें, एक्शन तगड़ा हो रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दिया जा रहा है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। ये दो तस्वीरें यूपी में अपराध और अपराधियों के अंजाम को बताने के लिए काफी हैं। सीएम योगी ने क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो शपथ ली थी, वो पुलिस के एक्शन में साफ दिखती है। सीएम योगी की पुलिस को खुली छूट और बेहतर तकनीक का नतीजा है कि बेहद संगीन से संगीन अपराध को पुलिस न सिर्फ समय रहते सुलझा रही है, बल्कि पीड़ित को न्याय भी दे रही है। इसकी बानगी मेरठ में देखने को मिली, जहां एक जूनियर इंजीनियर की बेटी को अगवा कर लिया जाता है। पुलिस कार्रवाई कर अपहरण करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। सोमवार को मेरठ के शास्त्री नगर इलाके से वारदात की घटना सामने आई। एक 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। स्कूल से घर लौटते वक्त ये अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। परिवार ने पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले में इलाके में तलाशी अभियान चलाया। कुछ घंटों के बाद ही बदमाश बच्ची को उसके घर के बाहर वापस छोड़ गए, लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में लगातार जुटी थी। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पता लगाया कि बच्ची के अपहरण की घटना को और किसी ने नहीं, बल्कि उसके पिता जेई महबूब हक के ड्राइवर आकाश ने अंजाम दिया। पुलिस ने देर रात आकाश और उसके सहयोगी राजू को गिरफ्तार कर लिया। वहीं छापेमारी के दौरान एक और बदमाश, जो आकाश का रिश्तेदार है, पुलिस ने उसे भी अपने शिकंजे में ले लिया। इनका जो ड्राइवर था, पूर्व में ड्राइवर था आकाश, उसकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध नजर आ रही थी, जिसको पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो सूचना मिली कि ये ड्राइवर जो आकाश है और दो और बदमाश, ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरे नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें दो बदमाश घायल हुए हैं। इसके बाद एक लड़का अजय, जिसको कॉम्बिंग के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं यूपी पुलिस के एक्शन की दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर से सामने आई, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गैंगस्टर फजल के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। दोनों बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट में लूट और चोरी के 6 केस दर्ज हैं। पुलिस ने कब्जे से गाड़ी और 2 तमंचे, कारतूस और 20 चीनी कट्टे बरामद किए हैं। दावे कि उत्तर प्रदेश को ऐसे ही उत्तम प्रदेश नहीं कहा जाता है। योगी की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपने राज्य की जनता की सुरक्षा को लेकर जो प्रण है, उसे सफल बनाने में यूपी पुलिस भी जी जान से जुटी है और अपराधियों को चुन चुन कर सलाखों के पीछे भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खानदान ने, 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी, उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। और अब बात करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार करप्शन को लेकर अपने मॉडल के लिए जाने जाते हैं, इस बीच जो रास्ते में रोड़ा बनने वाले कर्मचारी हैं, उन पे भी शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। जी हाँ, योगी सरकार की ओर से यह फैसला किया गया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने वेतन, वो अपनी पूरी कमाई को अपलोड करेंगे वेबसाइट पर। लेकिन इसके बाद बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने अपलोड नहीं किया। हालांकि बाद में योगी सरकार की ओर से यह फैसला किया गया कि ऐसे कर्मचारियों की सैलरी रोक दी जाएगी, लेकिन बाद में इसे एक्सटेंड करके 1 महीने का समय दे दिया गया। लेकिन इससे यह तो साफ हो गया कि योगी सरकार जो है करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार कायम है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को
सार्वजनिक उपयोग के लिए आज लेकर के आना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का प्रहार, आदेश नहीं मानने वालों पर सैलरी की लटकी तलवार, देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, फिर होगा हिसाब पूरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी सख्त हैं, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही कह चुके हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी संपत्ति भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करके बनाई होगी उस पर स्ट्राइक होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार का आदेश नहीं मानने वाले कर्मचारियों पर ऐसा एक्शन हुआ कि हड़कंप मच गया। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की सैलरी ही रोक दी और साफ कर दिया कि जो भी भ्रष्टाचार को साफ करने की मुहिम में रोड़ा बनेगा उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। मतलब साफ है, सीएम योगी ने जो कहा वो कर भी दिया। खानदान ने, सात पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया, और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं, और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक यूपी में सरकारी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपना था, लेकिन 8,46,000 कर्मचारियों में से सिर्फ 6,02,000 कर्मचारियों ने ही अपना ब्यौरा सौंपा। मतलब यूपी सरकार के 2,44,000 कर्मचारियों ने 31 अगस्त की डेडलाइन तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपा, जिसके बाद एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के केवल 71% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी दी है। यूपी सरकार ने IAS और PCS की तर्ज पर ही इन कर्मचारियों को ये आदेश दिया था। हालांकि इसमें शिक्षकों के साथ निगमों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जिन कर्मचारियों ने इस सरकारी आदेश को हल्के में लिया उन पर कार्रवाई करते हुए सैलरी तो रोकी ही गई। माना ये भी जा रहा है कि सरकार उनके खिलाफ आगे भी कोई कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं प्रयागराज से। क्या प्रयागराज के मदरसे में देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी? क्या देश को अस्थिर करने की सोच हावी होने वाली थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस मदरसे में अब से एक हफ्ते पहले जाली नोटों के बारे में एक बड़ी जानकारी मिली, वहीं पर अब RSS के खिलाफ एक किताब भी मिली है। आखिर यहां पर क्या हो रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। मदरसा एक, कारनामे अनेक, तालीम की पाठशाला, छात्रों के अंदर जहर घोला जा रहा। पहले मिली जाली नोटों की खेप, अब खुला सनातन विरोध के साजिश का चैप्टर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यही वो मदरसा है, यही वो जगह है जहां मजहबी शिक्षा की आड़ में कट्टरता का बीज बोया जा रहा है। सनातन के खिलाफ खुली जंग की तैयारी थी, देश तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। जामिया हबीबिया मदरसे से अभी कुछ दिन पहले ही नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ था। छपाई मशीन के साथ कई लोग भी धरे गए थे। अब इसी मदरसे से मिले विवादित साहित्यों ने सबको चौंका कर रख दिया है। मदरसे के अंदर छापेमारी के दौरान मौलाना के कमरे में रेड पड़ी।
जहां से पुलिस ने उर्दू भाषा में कुछ पन्ने और किताबों को जब्त किया, जिसमें आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी मिली, जिसमें संघ को देश का आतंकवादी संगठन लिखा गया, आरएसएस को आतंकवादियों का प्रशिक्षण केंद्र बताया, लिखा कि संघ आतंकवाद का सबसे बड़ा वाहक है। इस किताब में लेखक का नाम एसएम मुशर्रफ लिखा, जो महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक बताए गए हैं। मदरसे के अंदर चल रही देश विरोधी गतिविधियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त है और वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठा रही है। मदरसे के नाम पर कुछ ऐसे संस्थान विकसित किए गए जहां से लगातार आतंक की फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, और ऐसे मदरसों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का एक अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार किया है, और इसी अभियान में इस तरह के मदरसे पकड़े जा रहे हैं जो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि संघ के खिलाफ भ्रामक बातें फैलाने की साजिश क्यों हो रही थी? क्या देश के खिलाफ एक वर्ग को उकसाने की कोशिश हो रही है? संविधान में जहां सभी को मजहब और धर्म के आधार पर शिक्षा देने और शैक्षणिक संस्थान चलाने की छूट दी गई है, तो क्या एक वर्ग इस छूट का गलत इस्तेमाल करते हुए युवाओं को मजहबी कट्टरता की भट्टी में झोंक रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।